हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने स्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति 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 नमः शिवाय। कहाँ से चलेगा भाई? अच्छा, गमले को तो लिकारान तो चलेगा। अच्छा, ठीक है। गमले सकले अनयोर अनुकरणे अनंग गमलरी गतौ है। गमलरी गतौ, गति अर्थ में गमलरी धातु होता है, वो क्रिया का वाचक हो तो, यहाँ तक क्रिया का वाचक नहीं है, है कि नहीं, इसलिए ये अनुकरण हो गया। गच्छति में जो गम है, हैं, वो क्रिया का वाचक, क्या सुनते हो? हैं, धातु पाठ में जो गमलरी है कि नहीं, उससे जो रूप सिद्ध हुआ गच्छति इत्यादि है, उसका जो एक देश गम, वो क्रिया का वाचक है। ठीक है, धातु में जो पाठ है वो क्रिया का वाचक नहीं है, हैं, फिर अनुकरण होगा। ये क्या होगा? अनुकरण है ये, क्रिया का वाचक, अनुकरण में क्रियावाचकत्व तो नहीं है, सुनते हो कि नहीं? फिर भी जो है अनुकार्य का धर्म अनुकरण में होता है, हैं, तो होने से क्या होगा? अनंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंग हो जाएगा। किस सूत्र से? हाँ, रिदूषणस पुरुदंसो नेसामचो, लेकिन वो तो ऋकार बोलता है। क्या क्या बोलता है? री बोलता है ना, तो री बोलता तो क्या होगा? है उसका सवर्ण है ना, री का सवर्ण री है कि नहीं है? क्या री का सवर्ण? री का सवर्ण री होता है, इसलिए अनंग आदेश किससे होगा? री दुष्णात पुरुदंशो नेसाम से अनंग आदेश हो जाएगा। अनंग आदेश हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? गमन। आगे सुखा सकार, सुखा सकार, फिर सर्वनाम तने चार संबंधों से क्या होगा बताओ? आ हो जाएगा गमान, आगे सु का सकार है, सु के सकार का लोप होगा और नकार का विलोप होगा, क्या बनेगा? गमा। क्या बनेगा? गमा बनेगा, सुनते हो? उसके बाद बोलो ओ में क्या बनेगा? ओ में गुण होगा, रितो की सनातनों से गुण होगा, हैं, लिकार को गुण होने पर क्या होगा बोलो? और कहाँ से आ गए? ओम, री एक री है, ओम नमो नारायण, ये री एक री है, हमने क्या पूछा? ओम नमो, अरे रिकार एक लिकार है बोलो, हाँ, लिकार को गुण होने पर क्या होगा? ऑल होगा, और कहाँ से होगा? ऑल होगा, ठीक है, ऑल होने पर गमल,
गमल आगे ओ जोड़ दो गमलो, जस में गमल है, सुनते हो कि नहीं? देखो यहाँ पर लिख दिया गुणा विषय लपरत्तम, गुण करोगे तो लपर हो जाएगा, रपर नहीं होगा। रिको और होता है, रिको ऑल होता है। और अम में कमलम, आउट में कमलो, सुनते हो? आगे क्या है? हाँ, सस का अस, गमलरी आगे अस। अब क्या होगा बोलो? प्रथम योग पूर्व सोना दीर्घ, पूर्व कौन है? अरे पूर्व वर्ण क्या है बोलो? रिकार। उत्तर वर्ण कौन है? अस। अकार बोलो? सस का अकार है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व कौन है? रि। सवर्ण दीर्घ क्या होगा? रिकार का दीर्घ होता है, रि का दीर्घ होता है, क्या पूछ रहा हूँ? नहीं होता है, है ना? रिवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभाव, इसलिए दीर्घ रिकार होगा। क्या होगा? दीर्घ रिकार। कुछ समय है? क्या समय है बोलो? नहीं आया। रिकार का दीर्घ होता है, क्या पूछ रहा हूँ आपको? नहीं होता है ना? किसका दीर्घ होता है? रि का सवर्ण दीर्घ क्या होगा? कपिल जी बोलो, क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? रि का सवर्ण दीर्घ क्या होगा? लिख कर दिखाओ, क्या बोल रहे हैं? तो हमारा प्रश्न ये है, इधर सुनो, उधर ना देखो। रि का सवर्ण दीर्घ क्या होगा? रि का सवर्ण दीर्घ क्या होगा वो लिख कर दिखाओ, दिखाओ उत्तर, देख कर लिखाओ क्या होगा। मधुमंगल जी, प्रश्न समझ में आया? हाँ, लिख कर दिखाओ। उत्तर लिख कर दिखाओ, है ना? ज्योतिर्मानंद जी, स्वामी जी रीका दीर्घ नहीं होता है, रीकार तो सवर्ण दीर्घ होने पर क्या बैठेगा वो बताओ। दीर्घ रीकार, दीर्घ रीकार। बताओ विष्णु जी, दिखाओ क्या हुआ। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। पूर्व में ली है, उत्तर में ओ है, ओ है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार पूर्व में री है, री री, ओ यू अ ई ऊ री, आगे ओ है कि नहीं? पहला क्या कहा? री आगे ओ। अभी क्या कहा? री आगे ओ। दोनों के स्थान पर जो है पूर्व स्वर्ण दीर्घ करेंगे, प्रथम योग पूर्व स्वर्ण दीर्घ करेंगे तो क्या बैठेगा? अरे दोनों के स्थान पूर्व स्वर्ण दीर्घ होगा तो क्या होगा? क्या होगा वही तो मेरे लेख कर दिखाओ। दोनों के स्थान पर हाँ भाई, इतना क्या आप लोग डिमांड लड़ा रहे हो? पूर्व में चाहे री हो चाहे री हो, होगा दीर्घ रिकार ही होगा। हाँ सवर्ण होने से री होगा, तो पूर्व स्वर्ण दीर्घ क्या होगा? दीर्घ रिकार ही होगा, चाहे पूर्व में रिकार हो चाहे रिकार हो, होगा पूर्व स्वर्ण दीर्घ क्या? दीर्घ रिकार ही होगा। बात समझ भाई? जैसे धात्री है कि नहीं? धात्री का द्वितीय बहुवचन क्या बना बोलो? हाँ बना कि नहीं बना? इसी प्रकार गम्बलरी है प्रातिपदिक, अभी गम्बलरी का क्या होगा? गम्बरीन होगा, लकार नहीं बैठेगा यहाँ पर। लकार कहाँ से आएगा? क्या बनेंगे बोले? गम्बरीन दिया है, देखो क्या दिया है, दिया है ये यहाँ पर दिया है, दिया है कि नहीं? गम्बरीन, ठीक है। ज्योतिर्मानंद जी, सुजाता जी, समझ में आया? नहीं आया? आया तो ठीक है फिर, है ना?
हाँ देखो गम्भीरन दे दिया है, चौथी पंक्ति में दिया ना। आगे प्रातिपदिक क्या है? गम्भीरी। आगे टा, टा का आ है, हैं इको एनर्जी से यण करो, ली को यण करने पर क्या होगा? लकार। क्या बैठेगा? इको एनर्जी से। हाँ ऑल कहाँ से भाई? ली को यण करने पर क्या होगा? बोलो। नहीं समझ में आएगा। प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक क्या है? गम्भीरी। गम्भीरी प्लस आ, हाँ तो इकोण जैसे लरी को क्या बैठेगा? लिकार को यण होने पर क्या होगा? अभी तक नहीं पता आपको? बोलो। इकोण जैसे यण करेंगे लरी को तो क्या बैठेगा? हे भगवान, अब कैसे भैया आपको इकोणच कैसे पढ़े आप लोग? इकोणच, अच्छा इकोणच में स्थानी क्या है, आदेश क्या है? हाँ वो बताओ तो। स्थानी क्या है? ई उ रि लि। और आदेश क्या है? य ब र ल। लकार बैठता है, लकार किसके स्थान पर बैठता है? बोलो आप लोग, आप बोलो। री कहाँ भाई? हाँ ली के स्थान पर बैठेगा, ली के स्थान पर लकार बैठेगा तो क्या बनेगा? गमला। तो गमला हो गया, और क्या? फूल का गमला है। हाँ गमला, गमलेभ्याम गमले भी ही, ठीक है। गे में यण करो, गमले गमलेभ्याम गमले भ्याह। आगे क्या आया? पंचमी आया। देखो गम्भीरी आगे गांसी का अस बराबर है। तो ये सूत्र लगेगा रित उत, क्योंकि री का सवर्ण री है कि नहीं? तो उसको बोध करेगा कि नहीं? क्या है? हाँ अणदि सवर्ण से चा प्रत्यय है। हाँ री का सवर्ण कौन होगा? री। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रिकार होने पर ही बैठेगा रित उत, तो लपर हो जाएगा कि नहीं? लपर हो जाएगा। लपर होने पर क्या होगा बोलो? गमुल। गमुल आगे सकार, सुनते हो नहीं सुनते है? तो प्रातिपदिक क्या है? गम्भीरी आगे क्या बोलो? घसी का अस है। बोलो पूर्व में कौन है? रिकार। उत्तर में स्थानी कौन है? अकार। अस का असी का घसी का अकार है। दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? उकार बैठाएंगे। अ तो चला गया, चला गया नहीं चला गया। और पूर्व में कौन है? लिकार है। लिकार के स्थान पर यदि ऊ बैठा हो गए उरण पर लगेगा तो क्या बैठेगा बोलो? उल। नहीं उर नहीं होगा, उल होगा। उल। उल किसके स्थान पर बैठा है? दोनों के स्थान पर मान लो हैं। री भी चला गया और भी चला गया तो कौन बैठा है? उल। गम्भुल। गम्भुल के बाद सकार। सकार है कि नहीं बोलो? सकार। और सकार का लोप कर दो किससे? संयोगांतस्य लोप, तो लोप कर दिया तो क्या बनेगा? गम्भुल। तो दिया देखो पंचमी में भी षष्ठी में भी गम्भुल बनेगा। गम्भुल गम्भीरेभ्याम गम्भीरेभ्यः। गमुल उसमें गमलो हो, गमलो हो, गमलो हो, ठीक है। लगार बढ़ गया ना, गमलो हो। आम में, आम में क्या होगा? देखो ये नोट होगा कि नहीं होगा? गम्भीरी आगे क्या है? आम। हर्षन अध्यापो नोट लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? हर्षव है, हर्षव है कि नहीं है? हाँ तो हर्षन अध्यापक नोट लगेगा हाँ कि नहीं है? लगेगा। हाँ बुद्धि लगाओ इधर, हाँ देखो केवल मत, केवल बुद्धि, बुद्धि भी लगाओ। गम्भीरी आगे आम तो क्या बैठा है? नोट हो गया।
नुट हुआ हर्षांत अंग है, गमलरी हर्षांत अंग है, इसलिए आम को नोट हो गया तो कितना हुआ गमलरी आगे नाम, नाम ही से दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। तो ऋकार को ये दीर्घ करोगे तो क्या बैठेगा, ऋकार बैठेगा, क्योंकि ऋ का दीर्घ नहीं होता है, हैं नहीं होता है ना, तो क्या बैठेगा गमरी नाम, नकत हो जाएगा, री बना न तो बच्चों समझ में आया। और गी में गुण होगा, रितो की सनाम तना जैसे गी है ना, इसलिए क्या गुण होने पर ऋकार का गुण होने पर क्या होता है अल, हाँ और गमली, गमरी नहीं गमली, हाँ दिया ही, ये दिया कि नहीं दिया है, दिया होगा ना, कहाँ दिया है नीचे दिया है, हाँ ठीक है गमली, गमलो हो गमलेशु, बस में इतना हो गया। हे हे गमला हा, नहीं लिकार को गुण हो गया ना, गुण होने पर गमल आगे लोप, हे नहीं नहीं हे गमल होगा रास, ली को गुण होने पर ऑल हो गया, गमल आगे सूखा सकर, हे गमल दिया है, क्या दिया है गुण होने पर क्या दिया है संबोधन में, हे गमल दिया है, हे गमल होना चाहिए, हे गमल होना चाहिए, हे गमल, हे गमलो गमलो, हे नहीं हे हे गमलो हे गमला हा, ऐसा बनेगा। चलो रूप चलाओ, बोलो रूप बोलो, गमला हा, बिना देखे बोलो, देख कर ना बोलो, गमला गमले यण करो, गमले गमले भ्याम गमले भ्य, हे हे कहाँ से आ गया, चतुर्थी पंचमी बोलो, हाँ क्या बना, क्या बना गम गम गमला, हाँ गमला, आगे गमलेशो, हाँ हे गमलो हे गमला, हो गया कि नहीं हो गया, चलो आगे ऐसे ही, और क्या है हे ने पंचम में क्या बोला आपने, गमूल बनेगा ना, गमला कहाँ से आया, गमूल बनेगा, गमूल बना ना, चलो अच्छा है। इसी प्रकार शक्लरी का ही बनेगा है ना, शक्लरी शक्लरी शक्तो समर्थ में, शक्लरी का भी ऐसा ही रूप बनेगा, किसकी तरह, किसकी तरह, गमलरी की तरह, गमलरी का प्रथम आयोजन क्या बना, गमा, इसका क्या बनेगा शका है ना, गमा गमलो सका सकलो सकलो ऐसे बनेगा, ठीक है बस। इति लृदंता हा, इति लृदंता, आगे देखो है, आगे है इना सह वर्तते इति से हे, बोलो इना सह वर्तते इति से हे, देखो रूप किसका चलाओगे, अभी सक्रिय कहाँ से आए, सक्रिय तो हो गया, तो देखो अब है ई है ई ई
क्या है ई। अ विष्णु तस्या अपत्यम इही दिया। देखो बाल रहा मैं देखो और किस अकार हो भाई विष्णु है ना विष्णु जी, अकार किसका नाम है विष्णु का, अकार हो भाई विष्णु है कि नहीं। अकार विष्णु का नाम है तस्य अपत्यम है ना, अ का अपत्य हाँ ई हो जाएगा है ना। हाँ तस्य अपत्यम ई कैसे हुआ, अत यहाँ अत यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा है। प्रातिपदि क्या है अ है, अ से परे क्या हुआ यहाँ, यहाँ का क्या रहेगा ई। ये देखो बार बार मैं दिया है यस्य तिच इति अकार लोप, किसका लोप हो गया अकार का लोप हो गया, तो कितना रहा ई रहा ई। ई किसका नाम हुआ अभी, तो सुनो भाई उधर ना देखो, इकार किसका नाम हुआ विष्णु का अपत्य है, विष्णु का अपत्य कौन है ब्रह्मा जी है और क्या, तो ई किसका नाम हुआ ब्रह्मा का नाम ई हो गया, बात समझ में आई कि नहीं। और ब्रह्मा के साथ सारा ब्रह्मांड हो गया और क्या, सारा संसार हो गया, सारा कार्य वर्ग हो गया, इसलिए इनाश ई का तृतीय एकवचन क्या बनेगा इना, कवि का कविना, ई का क्या बनेगा इना तृतीय एकवचन में इनाश वर्तते, ऐसा करो तेना सहेति तुल्य जोगे बहुव्रीहि समास होता है हुँ? तो कितना हो गया से हैं, हाँ प्रातिपदिक क्या बन गया से, स आगे ई को जोड़ो तो स आगे ई में गुण करने पर क्या होगा से, से का अर्थ क्या हुआ, अरे सुनो भाई से का अर्थ क्या हुआ, से का अर्थ ब्रह्मा हुआ, ई का अर्थ ब्रह्मा है, तो से का अर्थ क्या हुआ देखो अभी बताया, देखो ब्रह्मा के साथ जो है उसको कहते हैं से, ब्रह्मा के साथ क्या है सारा संसार है, तो से का अर्थ क्या हुआ संसार ले लो, से का अर्थ संसार, सारे प्राणी भी ले लो, सारे जीव ले लो, सारे जीव ले लो, सारे संसार ले लो, ये से का अर्थ रूप किसका चलाओगे से का रूप चलाओगे, एकारांत से का रूप चलाओगे ठीक है, ऐसे समझ कर रखो। तो से का रूप चलाएंगे तो प्रथम एकवचन क्या बनेगा से हे बनेगा, बात समझ दिया ना, से देखो मूल में से हे, आगे से प्लस ओ, से प्लस ओ में ए को क्या आदेश होगा अय, किस सूत्र से एच ओ यावा, यावा से अय हो गया तो क्या बनेगा सयो, क्या बना सयो बन गया, जस में से प्लस जस, जस का अस, से के एकार को क्या आदेश होगा अय आदेश होगा, क्या बनेगा सय, से प्लस अम, से के एकार को क्या बटेगा बोलो अमी पूर्व लगेगा बोलो क्या कहता हूँ अमी पूर्व, अको अमी बचो अक आया, से का एकार अक में आया हाँ कि नहीं बोलो, नहीं पता है नहीं आया ना, तो नहीं आया तो अमी पूर्व लगेगा नहीं, एच ओ ए वाई लगेगा तो क्या बनेगा अय स्वयं क्या बनेगा स्वयं बन जाएगा, ओट में सयो, सस में प्रथम अयो पुरुषण लगेगा बोलो, प्रथम पुरुषण लगेगा कब लगता है अकह प्रथमा द्वितीय रोचि, तो वो भी नहीं लगेगा, तो जोड़ दो एच ओ अयो क्या बना सय, कहाँ पर क्या बन रहा है वो बुद्धि में बैठा हो, रूप कैसे चलाओगे देख कर चलाओगे रूप, टा में ना कहाँ से आ गया आ को इनो कब होता है, कब होता है अंग क्या चाहिए अदंत अंग, तो अदंत अंग है क्या बोलो है क्या नहीं है, तो लेकिन लगेगा तो क्या होगा बोलो, सर्वत्र आजादि परे रहते अय करो कुछ नहीं करना है, एच ओ यवा याव से आजादी हो तो अय करो, अरे हलादि हो तो कुछ नहीं करना है जोड़ देना है और क्या करना है हाँ सया, व्याम में
सया कहाँ से आ गया? सेव्याम, बीच में सेवी हो गया, गे में, देखो सय कहाँ से आ गया, गे में सए, व्याम में सेव्याम, सेभ्य, हाँ पंचमी बोलो सय सेभ्याम सेभ्य। रुको 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 रुको, जो पंचमी आया से प्लस गसी क्या है, से प्लस गसी, गसी का अस है, गसी का सच क्या करता है, बोलो एंगो गसी गसो रति पूर्व रूपम एकादश सियात, एंग है कि नहीं, हाँ एंग है तो क्या होगा, पूर्व रूप एकादश हो जाएगा तो क्या बनेगा, से हे बनेगा, क्या बनेगा, क्या दिया है, देखो दिया है कहीं नहीं दिया है, सेह रूप बनना चाहिए, नहीं दिया बालू में कहीं, कहाँ दिया से है, कहाँ दिया है, पंचमी वजन दिया है, नहीं दिया है ना, कहाँ दिया है, ये तो सू में से है, वो सू के लिए कहा, गौसी में भी ऐसे ही बनेगा, क्या बुद्धि लगानी, इसमें बन जाएगा और क्या है, गौसी को सोचा लग जाएगा तो इसमें क्या लग जाएगा तो क्या बनेगा, से हे, भ्याम में से भ्याम से भ्य, षष्ठी में बोलो सयो हो, आगे सयाम, ठीक है, गी में सई सयो, आगे हाँ ओस में क्या बना, सयो हो, शेषु मूर्धन्य होगा, शेषु हो जाएगा मूर्धन्य, संबोधन में बोलो सु का लोप होगा कि नहीं होगा, हाँ ज्योतिर्मानंदी महाराज, संबोधन में से आगे सु है, सु के सकार का लोप होगा, क्यों नहीं होगा, लोप किससे होता है, एंग एंग रस्वा संबोधि, एंग नहीं है क्या, है तो फिर लोप क्यों नहीं होगा, हेस, अरे एंग तो है, एंग अंत नहीं है क्या, हाँ बस तो सुबह का लोप हो जाएगा, हे से हे सयो हे सयो, है विसर्ग नहीं होगा, और प्रथमा एक वचन में से है और संबोधन में है से, अंतर है दोनों में, हाँ कौन रूप चला सकते बिना देखे, चलो देख कर भी चलाओ आपकी वो है, चलो देख कर भी चलाओ कोई बात नहीं, लिखा तो है ही नहीं, देख लो अभी चलो कौन नहीं नहीं अकेले अकेले कौन चला सकते हैं, गड़बड़ क्यों होगा, अकेले कौन, किसकी बुद्धि है, अभी तो रूप तो सिद्ध किए थे सब, कितनी बुद्धि में धारणा किए हो बताओ, चलो हाँ बाकी लोग ना बोलो सया हो हाँ ऐसा बोलो सयो हो हाँ आप बोलो विष्णु जी से हे सयो सयः सयम
सयो सयः सया सेभ्यां सेभ्यः सये सेभ्यां सेभ्यः सेः सेभ्यां सेभ्यः सेः सयोः सयां सयि सयोः सेषु हे से हे सयो हे सयो ठीक है अब बोलो से सयो सयं सयो सय सया सेभ्यां सेभि सये सेभ्यां सेभ्य सेहे सेभ्यां सेभ्य सेहे सयो सयोः सयां सयि सयोः सेषु हे से हे सयो हे से सय ठीक है सुजाता जी जी स्वामी जी क्या शब्द चल रहा है से हाँ एकारांत से मतलब हाँ जी हाँ क्या कह रहे हैं बोलो क्या कह रहे हैं नहीं नहीं मैं समझ गई सब शब्द हाँ समझ गए ना रूप चला लेगी हाँ जी अच्छा बोलो सयो सयः सयं सयो सयः सया सेभ्यां सेभिः से सेभ्यां सेभिः रुको 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 चतुर्थी क्या है बोलो चतुर्थी चतुर्थी से ना से से कैसे होगा सये बोलो आगे फिर पंचमी से हो नहीं से है बोलो हाँ से है हाँ सेभ्या सेभ्या फिर सहे से है सयो पंचमी और षष्ठी एक वचन बराबर ना से हे सयो सयाम सयाम हाँ ठीक ठीक सयो सेशु हाँ ठीक हे से हे सयो हे सया हाँ ठीक ठीक है आगे चलें इसी प्रकार से देखो है ना ज्योतिर्मान जो आपको तो आ जाएगा स्मृते है क्या है स्मृते है बोल दिया क्या कह दिया स्मृते है देखो है ना ई है ई ई का अर्थ हैं ई का अर्थ क्या है ब्रह्मा है हाँ ई का अर्थ काम भी है कामदेव हैं काम है और क्या ई का अर्थ काम भी होता है तो क्या करेंगे स्मृतः इहि येन है ना इति क्या करेंगे स्मृते हो जाएगा बोबरी समास हो जाएगा जिसने काम का स्मरण किया क्या है काम का स्मरण कर दिया जिसने है स्मृत आगे ई आदि गुणों से गुण कर लो तो क्या बन गया स्मृते क्या शब्द बन गया स्मृते स्मृते का अर्थ क्या हुआ बोलो तेज व्यक्ति ने क्या कर दिया काम का स्मरण किया काम का स्मरण हुआ जिससे जिस व्यक्ति से उस व्यक्ति को कहेंगे स्मृते क्या कहेंगे हाँ एकारांत हो गया क्या हो गया हाँ एकारांत शब्द है ना तो किसकी तरह चलेगा बताओ से की तरह चलेगा कोई अंतर नहीं है है कि नहीं वो जो वहाँ पर जो मूल में दिया है ना इस पन्ने में 288 में हाँ से है के बाद सयो सयो के बाद डंडा लगाओ कहाँ डंडा है सयो 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 के बीच में डंडा है हाँ ठीक है आगे क्या बताओ स्मृते है स्मृतयो के बाद है
डंडा नहीं, वहाँ पर लगाओ कोमा करो, चाहे डंडा करो, जो भी करो। स्मृते है आगे स्मृतयो, ये अलग रूप हुआ है ना, स्मृतय अलग रूप है। स्मृतयो कहाँ का रूप है? द्विवचन का है, और स्मृतय बहुवचन का है। किसकी तरह चलेगा? हाँ से की तरह, कोई अंतर नहीं है। ठीक है चलो रूप चलो। स्मृतया करोगे ए को, कुछ दिमाग कुछ नहीं है। स्मृतया स्मृते भी ही स्मृताये हाँ पंचमी का बोलो। स्मृते है हाँ, स्मृते भ्याम भ्याह आगे षष्ठी। स्मृते है स्मृतयो हो स्मृते स्मृतायाम आगे घी में स्मृतयी स्मृतयो हो स्मृतेषु हे स्मृते हे स्मृतयो। ठीक है कौन चला पाएगा अकेले? अकेले कौन चला पाएगा बोलो, विष्णु बोलो। स्मृते हे स्मृतयो स्मृतयः स्मृतयाम स्मृतयो स्मृति स्मृति स्मृतयः बराबर होगा। स्मृतयः चतुर्थी फिर बोले विसर्ग नहीं भ्यास है कि नहीं भ्याह बोलो ना भ्यास है कि नहीं? ठीक है स्मृते 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 स्मृतयो स्मृतया स्मृत स्मृतई स्मृतयो स्मृति स्मृतिषु ती के ते स्मृतेषु हाँ ठीक है हे स्मृते हे स्मृतयो स्मृतय हाँ बोलो कपिल महाराज बोलो आप। स्मृतयो कौन सा चला रहे हैं अभी, कौन सा चलाएंगे चतुर्थी? हाँ बोलिए फिर एक बार। ती ती नहीं ते बोलो दीर्घ करिए। स्मृते भ्याम स्मृते हाँ हाँ स्मृते स्मृतयो स्मृतयाम स्मृते हे स्मृते ये इधर के लोग तो बोल ही नहीं सकते, जो ये हरियाणा तरफ के ना स्कूल को सकुल बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? कहाँ गए थे? सकुल गया था। स्कूल बोल ही नहीं सकते वो लोग, स्कूल जोड़ करके बोल नहीं सकते, सकुल बोलते हैं। हाँ ये सूत्र कोई क्लिष्ट है ना, क्लिष्ट बोलते नहीं क्या क्लिष्ट, वो लोग क्लिष्ट बोलेंगे की बोलेंगे, वो क्लिष्ट बोलेंगे, क्लिष्ट बोल नहीं सकते वो लोग। कठिन काम है उन लोगों का भैया है क्या? हाँ स्कूल नहीं बोल सकते वो लोग, सकुल बोलते हैं वो लोग, सकुल ही बोलेंगे है क्या ना। ये हरियाणा तरफ इस तरह जाना कठिन है वो, हाँ बहुत कठिन है। स्मृति को
बोलते हैं ऐसे ही बोल ही नहीं सकते वो लोग ज्योतिर्मानंद जी हाँ आप चलाओ ज्योतिर्मान जी, आप तो गायक हो, आप तो शुद्ध उच्चारण करोगे, बोलो बोलो। स्मृते हे स्मृतयो स्मृतयः स्मृतयम् स्मृतयो स्मृतयः स्मृता स्मृतया स्मृते स्मृतेभ्यां स्मृतेभिः स्मृतये स्मृतेभ्यां स्मृते स्मृतेभ्यः स्मृतेहे स्मृतेभ्यां स्मृतेभ्यः स्मृतेः स्मृतयोः स्मृतयाम् स्मृति स्मृतये स्मृतयोः स्मृतेषु स्मृतया ठीक है। हाँ कभी कभी सकार में ना जीभ लटक जाता है सकार में कभी कभी सकार छूट जाएगा कि मृतया हो बोल देगा क्यों जी ये बहुत अभ्यास चाहिए, संस्कृत का उच्चारण करना अभ्यास चाहिए, अभ्यास से होता है ठीक है। व्याकरण पढ़ने से शुद्ध उच्चारण होता है, नहीं तो होता नहीं, कठिन होता है ठीक है। हाँ एक भागवत करते ना हरिद्वार में किसी के होने वाले की बता रहे थे, वो कोई शास्त्री है, कोई शास्त्री ना श्याम सुंदर ऐसा कुछ नाम है ना, हाँ 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 वही वही हाँ, वो उनका उच्चारण बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा शुद्ध उच्चारण होता है, बहुत शुद्ध एकदम शुद्ध पढ़े लिखे हो। चलो हाँ बड़े वो अच्छे वो सज्जन है, वो सज्जन भी है और उच्चारण उनका शुद्ध है, पढ़े हैं। चलो आगे स्मृतयो स्मृतयो हो गया। इति एदंताः एकारांत हो गया, आगे क्या है ओकारांत देखो, गो शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया गो शब्द आ गया भाई है ना। गो शब्द है गच्छति इति गो हो गमेट डो हो, डो प्रत्यय होता है गम धातु से तो गो बन जाता है कि नहीं। और टी का लोप हो जाएगा ना, गम में टी कौन है अम, तो गकार को ओ में जोड़ दो गो हो जाएगा, गो शब्द है। गो आगे सकार है, गो आगे सकार, ये सूत्र है देखो, गो तो णित बोलो, गो तो णित अतिदे सूत्र है, गो शब्दात परम सर्वनाम स्थानम णिद्वत् स्यात् बोलो परम सर्वनाम स्थानम स्यात् है ना। हाँ उणादि सूत्र है गमेर डो हो, उससे गो शब्द बनता है ठीक है ना। गो शब्द से परे सन्नाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय क्या होगा णिद्वत्, मतलब नित को मानकर जो कार्य होगा, गो से परे सन्नाम स्थान पर हो तो वही कार्य होगा, क्या कार्य होता है गणित को मान करके अचौणिति से वृद्धि होती है, यहाँ पर भी गो को ओकार को वृद्धि हो जाएगी, इसलिए क्या बन जाएगा गौ हो। सरनाम तन कौन है पाँच, सु ओजस अम्बोट हैं, पांचों में प्राप्त होगा, और ओ में क्या बनेगा ओ नहीं, पहले गो को ओ को क्या होगा वृद्धि, ओ को आब का आबू चश्में गाव गौ गाव गाव हो गया नारायण। आगे ओम आएगा, ओम के लिए सूत्र आएगा, इसको रहने दे मे इतने में, ओम धृताव डराद ढक्का बुद्ध